में भारत की विरासत को सम्मान मिल रहा है। भारत के सूरवीरों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अमर बलिदानियों का जहां स्मरण हो रहा है, वहीं वैश्विक मंच पर भारत एक नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत का दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक नए भारत का आभास हम सबको कराता है। और भाइयों बहनों, अगले एक वर्ष तक दुनिया के वे बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो भारत की सीमाएं भी सुरक्षित हुई है। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देख नहीं सकता, भारत की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, भारत के अंदर आतंकवाद नहीं भड़का सकता, भारत के अंदर निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं कर सकता है। अन्यथा जब मर्जी आती तब भारत के अंदर विस्फोट होते थे। कभी राम मंदिर पर हमला होता था, कभी काशी पे हमला होता था, कभी गांधीनगर में स्वामीनारायण मंदिर पर हमला होता था, कहीं कभी किसी अन्य स्थान पर हमला होता था। कोई क्षेत्र छूता नहीं था, कभी मुंबई पे होता था, कभी दिल्ली की संसद पे होता था। नरेंद्र भाई मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, गुजरात में कर्फ्यू हमेशा के लिए समाप्त हो गया, दंगे हमेशा के लिए समाप्त हो गए। देश के प्रधानमंत्री बने, आतंकी हमले समाप्त हो गए। आज एक सुरक्षित भारत की परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने। और यही नहीं, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। 500 वर्षों से इंतजार था अयोध्या में राम मंदिर का। आज भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले वर्ष 2023 में जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के राष्ट्र मंदिर के गौरव का प्रतीक होगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, उज्जैन में काल का महालोक बनकर के तैयार हो गया है, उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम संवर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य जोर शोर से चल रहा है, माता अंबा का धाम फिर से सुशोभित हो रहा है, और द्वारिका धाम भी अब संवर रहा है, सज रहा है। यही तो नया भारत है। आस्था का भी सम्मान, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास, हर नागरिक के जीवन में सम्मान का भाव, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना, हर घर नल की योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, कोरोना कालखंड में बिना भेदभाव के हर को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सेक्युलरिज्म के नाम पर जाति, मत और मजहब के आधार पर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है, समाज को तोड़ती है, कमजोर करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचाने और सबका साथ सबके विकास की भावना पर विश्वास करता है, और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव ही आज भारत को
एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के कालखंड में कोरोना आता तो गरीबों को फ्री में राशन नहीं मिल पाता, फ्री में वैक्सीन नहीं मिल पाता, फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट नहीं हो पाता। कांग्रेस रहती तो कश्मीर से धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती, कांग्रेस रहती तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराती? क्या कश्मीर से धारा 370 समाप्त करती? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती है, आपके देश को समृद्धि की ओर अग्रसर नहीं कर सकती है, आपके जीवन में खुशहाली नहीं ला सकती है, आपके सुख दुख में सहभागी नहीं बन सकती है, उस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देकर के अपना वोट हम खराब क्यों करना चाहते हैं? किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को कांग्रेस और समाजवादी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर नहीं जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये दोनों दल केवल सत्ता लोलुप हैं, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता का बंदर बांट चाहिए, इनको देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, आम नागरिक की सुरक्षा, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। जब उनको इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं भी आपसे करने के लिए आया हूं कि आपका भी उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सब मेरी बात से सहमत हैं? आप सब इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा देगी? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और देगी भी। भारतीय जनता पार्टी ने समृद्धि लाई है और समृद्धि लाएगी भी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात में श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में प्रदेश और देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री केशव भाई नाकरानी को अपना प्रत्याशी फिर से बना करके आपके बीच भेजा है। तो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आप सो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उन्हें अभिनंदन जिला